सब जल गया, हम तो आ गए रोड में। अब जेल लगाया तो मजा मारेगा, हमको तो कर दिया भिखारी। और आज त्योहार के दिन देखो हमारे बाल बच्चे भाग रहे इधर उधर, देखो हमारा आत्मा दुख रहा है, उसका भगवान क्या खबर करेगा, आप भगवान ही जानेगा। ये मान लीजिए मुंह बताता है, पेट रोता है, अब क्या करे बताइए। इतना टेंशन बना हुआ है, इतना सोच सोच के क्या त्योहार है, हम भी खोलते दुकान तो पैसा हमारे पास भी आता। खेती लंबारी न कुछ है, सब कुछ यही है हमारा, सब कुछ यही धंधे से हम खाते पीते रहते हैं, सब कुछ हमारा यही है। दबाव कर दिए कल रात में हमको, दबाव एकदम मारा डाले अपने समझ में, उन लोग हमको एक तरह के मारा डाले, हम मारा गए हम लोग। अपने की तो बात नहीं है, कोई लगाएगा तब भी नहीं, ये पेट्रोल डाल के लगाया गया है। उनको तो बहुत बद्दुआएं दे रही हूँ, जिस तरह हमारे बाल बच्चे आज इस स्थिति में खड़े हैं, आज हम इस स्थिति में हैं, तो मैं उनको बहुत बद्दुआएं, उनकी मैं हम लोगों की इतनी आय लगी, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हम सिरमौर में हैं और सिरमौर में बीती रात दो दुकानों पर आग लगी या आग लगाई गई, एक घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर के हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि घटना वास्तव में हुई कैसी और इसके पीछे कौन है आखिर। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं अनीता कचेर हूँ, भाजपा मंडल की उपाध्यक्ष हूँ। ये दुकान कहाँ पर स्थित है थोड़ा सा? ये सिरमौर में उपस्थित है, वार्ड नंबर 8 है ये, बाजार एरिया। कल रात जब शाम को आप लोगों ने दुकान बंद की होगी तो सारी चीज़ें सही रही होंगी, रात को लगभग कितने बजे आग लगाई गई यहाँ पर या कितने बजे लगी, क्या इसका कोई कारण पता हुआ? हम लगभग जैसे भी रोज के जैसे दुकान बंद करके अपने घर चले गए, और वहाँ लगभग मुझे सूचना मिली, फोन गया, बाजू वाली बताई कि मौजी तुम्हारे घर में दुकान पे आग लग गई है। हम लोग जल्दी से खड़बड़ा के उठे, जैसे कि कुछ देखे ही नहीं, और वहाँ से सीधे गाड़ी निकाल के बेटे को बोले आराम से चलाना बेटा। तो वहाँ से आए जल्दी से, तो यहाँ पे देखे तो बिल्कुल पूरी तरह से जल रही थी आग, शटर खोलते नहीं बनता था, मुश्किल से शटर पानी डाल डाल के खोले हैं, जैसे खोले तो आग और भव्य ले ली, पूरा यहाँ का पेड़ भी जल गया, पूरी तरह से आग लपेट में आ गई थी, पूरी तरह से खाक हो गई। हमारा यही सहारा था, खेती बाड़ी है नहीं हमारे पास, बस इतने ही बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। क्या ये बताइए कि यहाँ पर बिजली भी थी या शॉर्ट सर्किट से लगी, कैसे लगी? यहाँ पे ना बिजली थी ना कुछ, यहाँ पे आग लगाई गई थी, कुछ नहीं था। हम पूरी तरह से वो करके जाते हैं, हमें भी पता है कि यहाँ दुकान है, किसी भी चीज के लिए उसको नॉलेज रख के जाते हैं, ना यहाँ अगरबत्ती लगी थी ना यहाँ बिजली थी, पूरी तरह से व्यवस्थित थी दुकान। आप लोग यहीं आस पड़ोस के हैं, तो क्या जानकारी है इस दुकान में जो आग लगी? आप साहब ऐसी हम तो ये दूसरी दुकान ही आपकी है? जी हमारी है। तो आपके दुकान में भी कोई बिजली वगैरह का तार वगैरह? कुछ नहीं था भैया, कुछ नहीं था हमारे दुकान भी, वे लाइट वाइट कुछ नहीं था। अब ये ना जाने कि कौन लगा दिया कौन नहीं लगाया, अब वही पुलिस वाले जानेंगे, उन्हीं सब निरीक्षण कारण करेंगे। रिपोर्ट दर्ज करा दी है? रिपोर्ट तो दर्ज हो गया है। जैसे कि यहाँ पर जूते चप्पल दिखाई दे रहे हैं, तो ये दुकान बेसिकली है किन चीजों की? जनरल स्टोर प्लस कपड़ा भी था इसमें, बाकी वगैरह मान ली सब रहा, बेल्ट वेल्ट पंखा रहा, कूलर रहा, पूरे आइटम रहा, कौनो चीज ऐसा बकाए नहीं रहा कि कौनो चीज गांव की आमे तना मिला, सब मिल जाता। ये विषाद खाना जनरल स्टोर का था दुकान, दिखने में तो ऐसा लगता है लेकिन इसमें सामान नहीं मोटाता था, इतना भर जाता था, कपड़े का भी, बेल्ट का भी, जूता चप्पल का भी, विषाद खाना का भी, जनरल का भी। इन्हीं हम लोग इन्हीं आज 25 वर्ष से कर रहे, तो धीरे धीरे जुटाते जुटाते आज इस स्थिति में पहुंचे थे कि दुकान सामान नहीं मोटाता था दुकान की। जैसे आप भाजपा की पदाधिकारी भी हैं और चुनाव भी चल रहा है, तो क्या इसका चुनावों से भी कोई लेना देना हो सकता है? हो भी सकता है, वो ये भी हो, राजनीतिक ये भी माहौल भी हो भी सकता है। मैं भी अभी तो
मैं बता नहीं सकती, पर ये आ सकता है ये लपड़ने। अभी मौजूदा विधायक जो हैं यहाँ पर देवराज सिंह जी, वो भी क्या इसका मुआयना करने के लिए आए हैं या कोई आश्वासन दिया गया? मानी जी आए थे यहाँ, विधायक देवराज जी यहाँ सिरमौर क्षेत्र के विधायक जी आए थे और देखे हैं। रानी साहब भी आई थी, देखे हैं, ये भी बोले हैं कि जितना हो सके उतना हम मदद करेंगे आप लोगों का। तो बोले आप कुछ टेंशन ना लीजिए, अब जो हो गया तो हो गया, कार्रवाई करवाते हैं हम, क्या हुआ है कैसा हुआ है कार्रवाई करवाते हैं, और आश्वासन दे के गए हैं। पुलिस से आश्वासन क्या मिला? पुलिस से मिले यही मिला है, अभी कार्रवाई चल रहा है, रिपोर्ट लिखा रहे हैं, अभी गवाही उवाही लेंगे, गवाही उवाही के बाद फिर जो करेंगे तो करेंगे। अभी यहाँ पे शुरू में एक टीआई साहब यानी मुंशी ही आए थे, पहले पानी उन्होंने ही डाले हैं रात में, फिर इधर उधर शोर शराबे करके बुलवाए हैं, उन्हीं के जरिए हमको सूचना मिली है जी। जो तो आपसी रंजिश आस पड़ोस में जिनके ऊपर संदेह हो कि जो ये आग लगा? कोई संदेह नहीं है, हम एक कार्यकर्ता हैं, हम घर घर जाके जो भी थोड़ा सा नाराज रहते हैं उनके पास हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और अपने बातों पे उनको बिल्कुल वो कर देते हैं, आकर्षित कर देते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी देखिए चुनाव माहौल है, ये किसी से लड़ना झगड़ना माहौल नहीं है, ये लड़ाई भी नहीं हुआ हमारा किसी से भैया, किसी से कोई वो अंगला कर लेगा दो बात कह लेगा, हम लोग सह लेते हैं, धंधा वाले हैं ना, किसी से हम बातचीत नहीं करते। हमारे इतना सामान भरा था, कम से कम 9.5-10 लाख का सामान था, और इसका बहन का था 9 लाख का 8 लाख का, सब जल गया, हम तो आ गए रोड में, अब जे लगाया तो मजा मारेगा, हमको तो कर दिया भिखारी, और आज त्योहार के दिन देखो हमारे बाल बच्चे भाग रहे इधर उधर, देखो हमारा आत्मा दुख रहा है, उसका भगवान क्या खबर करेगा, अब भगवान नहीं जानेगा, ये मान लीजिए मुंह बताता है, पेट रोता है, अब क्या करें बताइए, किससे किससे। यहाँ पे सुबह 4 बजे से आए, यहाँ पे चाय तक नहीं पी, इतना टेंशन बना हुआ है, इतना सोच सोच के आज त्योहार है, हम भी खोलते दुकान तो पैसा हमारे पास भी आता, बच्चे भी पड़ाका फोड़ते है, बढ़िया ऐसे मनाते खुशी मनाते, आज बेचारे खड़े लागे रो रहे हैं, देख रहे हैं दुकान को, बताइए आत्मा कितना दुखता है, जिसके ऊपर भी इतना वही ना जानता है, बताइए साहब, अब मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो पागल हो जाऊंगी, मान लो एकदम मर गए, हमारे खेती ना बारी ना कुछ है, सब कुछ यही है हमारा, सब कुछ यही धंधे से हम खाते पीते रहते हैं, सब कुछ हमारा यही है, सारा जो तो कुछ लोगों ने कल रात में जो है तो तबाह कर दिया, तबाह कर दिए कल रात में हमको, तबाह एकदम मारा डाले अपने समझ में, उन लोग हमको एक तरह के मारा डाले, हम मारा गए हम लोग, अब बारह से हमारे बच्चे बिना बाप के हो गए, चाचा भतीज थे तो लड़के के काका काकी है उनका भी सब जल गया, बताइए क्या करें हम, कोई हम देख रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है सिर्फ इन्हीं दोनों दुकानों का हुआ है, जबकि बगल से सटी हुई दुकान है तो ये बिल्कुल बची हुई, तो स्पष्ट तौर पर ये दिखाई देता है कि कुछ साजिश इसके पीछे है। जी 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 बिल्कुल साजिश, पूरी पूरी तरह से साजिश है, नहीं पूरी तरह के हुआ है। पर जब हम देख रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर जला हुआ दिखाई दे रहा है, या यहाँ से आग लगाई गई है, ये पेट्रोल डाल के चाहे आग लगाई गई है, इसके वजह से लपक ले लिया है पूरी तरह से, ये पूरी तरह जितना जल के अंदर आग पकड़ी है, ये पूरा जल गया है नीचे साइड। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये दिखाएं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो सामान है वो खाक हो चुका है। यहाँ पे हम 30,000 रुपए भी रखे थे कि आज ले जाएंगे घर, शराब भी देख रहे हैं कि यहाँ से लगी है तभी वो उतना मोटी वो प्लाई जली है, अगर इतना मोटा प्लाई था यहाँ पे सर, मोटा प्लाई था कि अपने से आग लगी नहीं सकती है, मानो कोई लगाएगा आग तब भी मैं नहीं लग सकती है आग, अपने की तो बात नहीं है, कोई लगाएगा तब भी मैं, ये पेट्रोल डाल के लगाया गया यार। जैसे ये जो आपकी गोमती है पूरा का पूरा इसका पेंट वगैरह भी सब कुछ जल चुका, पूरा खत्म हो गया ये गोमती, पूरा ये गल गया है, कुछ नहीं रह गया गोमती पे, ये नाम का है कुछ नहीं है, ये पूरा सटा टूट गया है, ये पूरा आगे लग गया, झूल गया है, कोनो मतलब का नहीं रह गया ये, और
उसके तौर पे आप देख ही रहे हैं कि कैसे भूसा हो गया है पूरा सामान। विधायक जी ने मदद का आश्वासन दिया। विधायक जी बोले हैं कि आप टेंशन ना लीजिए, आपको मदद करेंगे, या हम हैं यहाँ, अभी आप टेंशन ना लीजिए, यही बोले हम विधायक जी माने। जिन लोगों ने मान लीजिए कि ये साजिशा ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से आप लोगों के पेट पर लात मारी गई है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको तो बहुत बहुत दुआएं दे रही हूँ। जिस तरह हमारे बाल बच्चे आज इस स्थिति में खड़े हैं, आज हम इस स्थिति में आए, तो मैं उनको बहुत बहुत दुआएं, उनकी में हम लोगों की इतनी आय लगी, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। आज के त्योहार के दिन किसी ने अगर ऐसा वो करे हैं जैसे हमारे साथ हुआ, उसके साथ होगा, तब उनको महसूस होगा कि हमारे भी ऐसे। अगर झांसे में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाएंगे, तो उसको तो कहा बताएं कि क्या होगा। पुलिस की उस पे दीवार पे ही, थाने की दीवार के बगल में ही दुकान है, तो क्या थाने से कोई संपर्क हुआ, या थाने के लोगों ने कुछ संदेही लोगों को अभी तक परिचित किया? नहीं, कुछ परिचित नहीं किए हैं, वो आए खुद के आए, जब आग लग गई थी तो खुद आए हैं, तो पानी होनी डाले हैं दो तीन बाल्टी जैसे, और हेल्ला किए हैं, बुलवाए जो सो रहे थे यहाँ पे उनको जगाए हैं, उन्होंने एक दूसरे के जरिए फोन किए घर में। आप लोगों ने देखा? नहीं, पुलिस वाले जी, उन्हीं के जरिए हुआ है जी। वही आज आठ रोज का पैसा मेरा यहाँ रखा था, क्योंकि मैं कार्यकर्ता ही हूँ। आप लोग यहीं पे रखे? रखती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं बिजी रहती थी भाजपा यानी चुनाव प्रचार में, तो पैसा यहीं रखा रहता था, मैं नहीं ले जा पाती थी। और आज महाजन आ रहे हैं, आज ये कल महाजन आएंगे यार, तो उनको देने के लिए मैं बोली कि मैं घर से कितने समय, मुझे याद भी नहीं रहता है ये चुनावी माहौल में, तो मैं घर से कितने समय लाऊंगी, यहीं से पैसा निकाल के उनको दे दिया देंगे, क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले 50,000 का माल भी आया था इसमें, तो महाजन आज आने वाले थे, तो देख के चले गए, लौट गए, क्या करें आप, किसी का जान थोड़ी। चुनाव में जो भाजपा के पक्ष में आप प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार का भी कहीं ना कहीं खामियाजा आपको इस दुकान के तौर पर उठाना पड़ा है? हाँ, उठाएंगे ही। ऐसा लगता है कि मतलब विरोधियों के द्वारा जो जानबूझकर के आग लगाई गई? मुझे पूरा भरोसा है, ये आग तो अपने से लगेगी नहीं, और किसी ने लगाएगी तो क्या व्यक्तिगत, यानी चिन्हित लोगों के, मैं मंडल की पदाधिकारी भाजपा की हूँ, तो क्या चिन्हित मेरे ही दुकान पे लगेगी आगी? आजू बाजू भी दुकान है ना, मेरे ही दुकान पे क्यों लगाएंगे आगी? तो कुछ तो शादी समझ में तो पूरी तरह से आ रही है समझ में। रिपोर्ट में आपने किसी का संदेह के तौर पर नाम? मैं किसी को नहीं किया, जब मैं कुछ ये नहीं है तो मैं क्यों करूँ, संदेह कुछ नहीं है माहौल में, किसी को नहीं बता सकती, बिना देखे बिना जाने किसको कह सकती हूँ संदेह, बता रही हूँ क्या, आग तो लगाई गई है यहाँ पे, तेल ही नहीं, किसी द्वारा यहाँ पे लगाई गई है, जला हुआ है कि यहाँ से आग लगा, यहीं से आग लगी, ये पत्थर हटा दिया गया है यहाँ से, पत्थर था तो हटा के यहीं से आग लगी। आप लोग यहीं पर हैं, क्या कहेंगे जो इस घटना के बारे में? इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, करीब मैं क्योंकि रोड में रुई की दुकान करता हूँ, तो उठा हूँ 3:30-4 के बीच में हिसाब करने, तो देखा तो धुआं खूब उठ रहा था, तो वहाँ से भागे तो यहाँ लोग बुता रहे थे, बहुत लोग पानी वानी डाल रहे थे, साहब पीछे मुंशी साहब हैं या टीआई साहब हैं, वो देखे थे, वही सबको बताए हैं यहीं पे, बस इतना है, बाकी इसके बारे में कौन लगाया कैसे लगाया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हमारे साथ नगर अध्यक्ष जी भी हैं, आइए हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करके जानेंगे स्थितियों के बारे में। नमस्कार संदीप सिंह जी, ये जो दुकानों में बीती रात को आग लगाई गई है, और जैसा कि इन परिवारों का कहना है कि ये साजिशन रंजिशवश जो तो ये काम किया गया है, तो इस मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे? अब तो देखिए, अभी तो जाँच का विषय है कि आग किसी ने लगाई है कि अपने आप लगी है, जब जाँच पूरी होगी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। मुझे पता चल गया था सुबह ही, अब देखिए नुकसान तो काफ़ी हो गया, अब इन लोगों को यही रोजी रोटी का सहारा था, देखिए सभी लोग मिल के इनको थोड़ा बहुत किया जाएगा, और शायद इसका बीमा वगैरह भी नहीं था, कुछ बीमा था नहीं कुछ नहीं। इनको तो घर ही उजड़ गया एक हिसाब से देखा जाए, पेट पे जो तो लात हाँ मारने के समान जो भी ये कार्य हुआ है, किसी ने अगर किया है तब तो बहुत गलत चीज़ है ये, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था,
और दूसरी चीज जो है तो अगरबत्ती वगैरह भी जो जलाई जाती है तो दुकान बंद करने से पूर्व यहाँ पर बुझा दी जाती है, जैसा कि हमने अभी बातचीत में जाना। तो एक चीज तो आभास होता है कि यह आग जानबूझ करके या दुर्घटना बस किसी के द्वारा जो है तो फैलाई गई है। और दूसरी चीज यहाँ बगल में भी दुकान है, लेकिन इस दुकान में इस आग का बिल्कुल भी असर दिखाई नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं साजिश की भूत यहाँ पर नजर आ रही है। इस समय रहते यहाँ पे थोड़ा सा काबू अपना पुलिस बल यहाँ पे सहयोग किया है, फायर ब्रिगेड आके आग पे काबू पाए, लेकिन तब तक दोनों दुकानें देखते हैं, वही अब जांच हो जाए, थोड़ा पुलिस वाले लगे ही हैं इसके आगे। मामले में पुलिस वालों से भी आपकी कोई बातचीत? हाँ, बात हुई है मेरी, सब अपने स्तर से कर रहे हैं और लगभग एक दो दिन में उसका खुलासा भी हो जाएगा। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि एक दो दिन में या जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आरोपियों का पता लगाया जाना चाहिए और इस परिवार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों परिवारों का पूरा रोजगार ध्वस्त हो चुका है, एक तरीके से कोयले के ढेर में तब्दील हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि इनके साथ जल्द से जल्द न्याय होगा, जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिलेगा। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। मैं अनुपम अनूप, कैमरामैन आदित्य के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।